नमस्कार व्यूअर्स, गोपाल कंस्ट्रक्शन में आपको स्वागत करता हो। व्यूअर्स, आज के वीडियो में डबल स्टोरी घर का वॉक थ्रू देखना चाहता हो। उससे पहले आप देख लीजिए दो बेडरूम का साथ घर का बैल्कनी, पूरा विवरण ये घर से आपको देने वाला हो। तो व्यूअर्स, आप 750 स्क्वायर फीट में 3 बेडरूम बनाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आपको बहुत सारा आइडिया लगा सकता है ये वीडियो से। वो दो तला जाने के लिए यहाँ पे सीढ़ी रूम आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आने के लिए 3 फ्लाई फाट। इसके बाद 3 बेडरूम के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं हॉल रूम। इसके बाद सीधा जाएगा तो पहले पोर्शन में बेडरूम, बाएं तरफ से दूसरे पोर्शन का और यहाँ पे तीसरे पोर्शन के बेडरूम। और हॉल रूम का दाने तरफ से आप जाएगा तो स्टेयर रूम, दो तला सिला पे जाने के लिए। खूब सुंदर करके फर्स्ट फ्लोर का प्लान करके गया है। तो आइए पार्ट वाइज स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। जैसे भी आप इंटर किया दाने तरफ से बाथरूम, घर का साइज की बात करेगा तो 9 फीट बाई 10 फीट का, और एक घर के लिए 4 फीट बाई 4.5 फीट के एक खिड़की। और एक डोर के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम 6 फीट बाई 4 फीट का। और जैसे भी हॉल रूम आने के बाद इसके बीच में आप जो प्लेस देख रहा है, यहाँ पे पूजा रूम बनाया जाएगा 6 फीट का। और यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरा पोर्शन के बेडरूम, साइज भी सेम रखा गया है, घर का साइज 10 फीट बाई 10 फीट का। और इसके साथ 1.5 फीट बाई 4.5 फीट का वॉल अलमारी। और एक घर का फ्रंट की तरफ जो आप देखा बैल्कनी 4 फीट बाई 10 फीट का। और एक घर के साथ अटैच टॉयलेट बाथरूम आप देख सकते हैं। और हॉल रूम का आने के बाद यहाँ पे आपको जो आप देखा पहले पोर्शन के बेडरूम, आइए साइज का सेम रखा गया है। और इसके साथ एक वॉल अलमारी, इसका साइज भी सेम रखा गया है। और यहाँ पे घर के लिए आप देख सकते हैं बैल्कनी, और यहाँ पे अटैच टॉयलेट बाथरूम। अभी ये हॉल रूम का सीधा आप जाएगा तो 3 फीट डोर का साथ बाहर से जाने के लिए स्टेयर रूम आप देख सकते हैं। जस्ट 750 स्क्वायर फीट में 3 बेडरूम का प्लान करके गया है। एक बार हाईलाइट करूँगा, यहाँ पे आप इंटर के इसके बाद सीधा जाएगा तो पहले पोर्शन का बेडरूम, दाने तरफ से और एक बेडरूम, और यहाँ पे तीसरा पोर्शन के बेडरूम, और यहाँ पे पूजा रूम। तो व्यूअर्स, ये है आज की कोशिश। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी लोगों के हेल्प के लिए मैं डेली बेसिस घर बनाने संबंधित वीडियो ला के रहता हूँ। तो फिर मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ, तब तक को आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।